अंदर बैट्समैन को भी भेज दें। जी हाँ, इस टूर्नामेंट के बहुत सारे विशेषताएं हैं। ओपनर बैट्समैन जा रहे हैं बिट्टू और सूरज। सूरज और बिट्टू की जोड़ी, बाएं और दाएं हाथ की जोड़ी। और 99 रन हमारे साथ है इरशाद। क्या लगता है सिसोनी की टीम को ये 99 रन बनाने का जो लक्ष्य मिला है, आपके हिसाब से कैसा है? हेलो, बिल्कुल, ये मैच स्टार्ट होने से पहले विजय मार्शल जो कैप्टन है उनसे आप हमारे कमेंटेटर जो अमित भाई है वो बात किए थे और उनका क्वेश्चन था कि आप कितने अंदर के रनों के अंदर सीमितना समेट सकते हैं अगले टीम को, तो उन्होंने 110 के अंदर बताया था जो यहाँ पे सही साबित हुआ। तो कहीं कहीं लक्ष्य जो 110 के नीचे था तो वो सटीक हुआ। और अब यहाँ पे देखने की बात ये है जो यहाँ पे 99 रनों का लक्ष्य है वो वही बात वो तो पहले बताया था। और अब ये 99 रन बनाने का जो लक्ष्य मिला है ये इसको कितनी आसानी या कितनी मुश्किल होने वाली है ये पूछा था मैंने। लक्ष्य कोई खास नहीं, बस छोटा सा लक्ष्य है कि धीरज रखने की यहाँ पे जो पैसेज है वो बैट्समैन को रखना पड़ेगा। लक्ष्य काफी छोटा, क्या बात है, और काफी लक्ष्य छोटा है, लो स्कोरिंग मैच है और जिस तरह की टीम सिसोनी की जो दिखाई दे रही है, जिस तरह से उनके पास ऊपर के नामचीन बल्लेबाज हैं, तो कोई ज्यादा मुश्किल कहने का मतलब इरशाद का भी यही है कि नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे सिसोनी की टीम में बिट्टू, ललित, विजय मार्शल भी एक आशीष है बड़ा नाम। हाँ, तो देखने की बात अगर साथ ये भी रह जाएगी कि 99 रन का लक्ष्य दिया है कुछ महोत् ने सिसोनी को, अब बॉलिंग कैसे करती है ये बड़ा सवाल है कि नई टीम है, निर्मित हो रही है, निर्माण काल से गुजर रही है, नई नई टीम है, तो वो बॉलिंग कैसी करती है, क्योंकि शुरू बॉलर तो बॉलिंग में बैटिंग में कुछ खास कर नहीं पाई, तो अब उनके पास तब दिखाने के लिए तो बॉलिंग ही बचता है कि बॉलिंग में ही दमखम दिखाए और बॉलिंग से कुछ ऐसा कुछ कर गुजरे कि जो क्रिकेट के विश्लेषक हम लोग जैसे सोच रहे हैं, इरशाद कह रहे हैं, अमित कह रहे हैं और भी लोग सोच रहे होंगे कि ये मैच 5-7 ओवर में सिसोनी की टीम जीत लेगी, तो क्या वैसा होगा या फिर कुशवाहा की टीम कुछ दमखम दिखाती है अपनी बॉलिंग से और बॉलिंग से कुछ छाप छोड़ने में कामयाब होती है, क्योंकि कोई खास बड़ा स्कोर बनाया नहीं है वो उन्होंने, तो अब उनके पास जो ऑप्शन बच जाता है, जो अब उनके पास बच गया है कर गुजरने का कि वो बढ़िया बॉलिंग करें, बढ़िया फील्डिंग करें, बढ़िया कैचिंग लें, जिस तरह से आज मैं समझता हूँ कि 98 रन भी अगर कुछ बहुत बनाई है उसमें से 20-30 रन निश्चित रूप से एक गिफ्ट दिया है सिसोनी की खराब फील्डिंग बॉलिंग फील्डिंग और कैचिंग के वजह से, और कुछ जो पीछे रन्स गए थे 3-4 बाउंड्रीज उसके वजह से भी काफी सारे रन्स बन गए थे, तो यही स्थिति है। स्ट्राइक पे है बिट्टू, बॉलिंग के लिए आए हैं। कुशवाहा टीम के कैप्टन से आग्रह है कि वो अपना एक स्कोरर कमेंट्री बॉक्स में भेज दें। बॉलर कौन है? रोहित कुमार। क्या बात है, रोहित कुमार आए हैं। तेज गेंदबाज हैं। एक 163-164 इंच लंबे हैं कदकाठी में। पहली गेंद बिट्टू के लिए लगभग फुल टॉस पे गेंद को धीरे से दबाया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं,
फील्ड सजी हुई है। ऑफ साइड में देखिए एक स्लिप है, एक गली है, एक पॉइंट है, एक मिड ऑफ है। 30 गज के सर्किल में लेग स्टंप से बाहर वाइड का इशारा आता हुआ, एक रन से खाता खुलता हुआ और दो खिलाड़ी जो बाउंड्री पे है वो भी मुझे लगता है कि 10-15 फीट अंदर है। और सीधा कैच हाथ में दिया लेकिन कबूल नहीं किया। क्या कहेंगे अमित कि इतनी भी खराब आप बिल्कुल सीधा हाथ में गेंद था, सीधा हाथ में गेंद था। कह रहे कि ऊपर था, बिल्कुल हाथ में था, थोड़ा सा पोजीशन करके जज करके पकड़ना था। सिर्फ बिट्टू का अभी 0 के स्कोर पे वो आउट होते लेकिन बच गया और चौका मिल गया। देखिए जिया आपने बोला 10-15 फीट आगे और उनके हाथों में गेंद गई, अगर पीछे रहते तो सीधे उनके। अब देखिए आप यहाँ पे मिडोन पे जो खिलाड़ी खड़े हैं ये भी बाउंड्री से करीबन 4-5 फीट आगे खड़े हैं। अगर यहाँ पे बिट्टू का विकेट मिलता तो थोड़े से दबाव में होते मेजबान, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इससे खराब गेंद और स्कोर में इजाफा, एक अतिरिक्त के सहारे स्कोर जा पहुंचा 6। तो जिस तरह से सिसोनी ने शुरू में फील्डिंग की थी उस महोत्सव का स्कोर ऐसे भी कम है, मात्र 98 रन। और इतना आसान अगर कैच छोड़ते हैं तो फिर मैच आसानी से मेजबान सिसोनी लेके जाएगी यहाँ से। जी हाँ, एक स्क्वायर लेग पे और एक शॉर्ट विकेट पे खिलाड़ी मौजूद है ऑन साइड में 30 गज के अंदर, नहीं तो सारे खिलाड़ी ऑफ साइड में 30 गज के सर्किल में। और इस गेंद को धीरे से निकालना है और देखिए क्या फील्डिंग है। दो रन भी मिल सकते थे बिट्टू को लेकिन कहा कि भैया ज्यादा जल्दी नहीं है, 7 रन स्कोर हुआ। ये प्रॉब्लम होता है कि बिल्कुल नई टीम दिख रही है और शुरुआती मुकाबला है। और इस शुरुआती मुकाबले में कुशमोहत ने आज 98 रन बनाए। अगली गेम कसम न करेंगे सूरज कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। रोहित गेंदबाजी कर रहे हैं जिन्होंने कि शुरू में ही बिट्टू को लगभग फंसा लिया था, सीधी हाथ में गेंद थी लेकिन जज नहीं कर पाए वहां पे प्लेयर्स। एक मौका मिला है और बिट्टू आज निश्चित रूप से लंबे और बड़े शॉट्स के लिए जाने जाते हैं। चलो मैं 6 रन आता हुआ 13 रन स्कोर पहुंचता हुआ, सीधी गेंद थी, पूरा मौका और मिड विकेट के ऊपर से बढ़िया छक्का जड़ा सूरज ने। 6 रनों से स्कोर बढ़ा 13 पे पहुंचा है। पहला ओवर ही चल रहा है और मात्र 99 रन बनाने हैं। और यहाँ पे अच्छी गेंद थी, इस बार चकमा खाए बैट्समैन, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। एक ओवर का खेल हो गया, एक ओवर के बाद 16, तो पावर प्ले में 6 ओवर होते हैं और 13 रन बने हैं पहले ओवर में, तो उस हिसाब से तो 6-7 ओवर में काम तमाम हो जाएगा किस्मत का। क्या कहेंगे अमित, लग तो रहा है कि 10 ओवर के अंदर मेजबान सिसोनी इस मैच को जीत लेगी, लेकिन क्रिकेट तो जिस तरह से बिट्टू का कैच पकड़ा जाता तो थोड़ा मुश्किल होता, लेकिन सिसोनी के पास अच्छे अच्छे बल्लेबाज हैं, सूरज, धर्मेंद्र, आशीष, ये सब अच्छे अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन नौबत नहीं आनी चाहिए कि इतने बल्लेबाज आए। बॉलर आए हैं, बॉलर का नाम क्या है भैया? नीतीश। क्या बात है, अभी तो बिहार में नीतीश। जी हाँ,
हमारे मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस गेंद को धीरे से खेला, कोई रन नहीं। और जब से नीतीश कुमार आए हैं, मैंने एक सर्वे किया है और उत्तम जहां जहां जाता हूं कि हर टीम में एक दो नीतीश मिल जाते हैं। और गांव में बच्चों का भी नाम पे भी अगर स्कूलों में एक सर्वे अभी आप मेरी ओर से आपको कीजिएगा। बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए मेरी ओर से सर्वे कीजिएगा तो एक से लेकर दसवीं तक में, खास करके आठवीं तक, आपके यहाँ स्कूल में दसवीं तक की पढ़ाई होती है, ट्वेल्थ तक की, तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा नाम का अगर सर्वे होगा तो उसमें नीतीश का होगा। जी हाँ, बात तो सही है, ये बहुत सारे लोग नाम रख रहे हैं नीतीश कुमार। और जिनकी इस बार 2020 में अगली परीक्षा होने वाली है, बहुत तरह से कयास लगाया जा रहे हैं इस बार नीतीश कुमार का क्या होगा। फिलहाल ये कोई ये राजनीतिक मुद्दा है, ऐसे हम मनोरंजन के लिए इन तमाम बातों को कभी कभी रख देते हैं, इसके लिए आप अदर वे में इस बात को नहीं लीजिएगा। फिलहाल अगली गेंद, इस गेंद को धीरे से खेला और देखिए कितनी खराब फील्डिंग कि सिसौनी की टीम जो फील्डिंग कर रही थी, इस मैच को आप देख सकते हैं धमाल क्रिकेट धमाल चैनल पे, और हमारे इस टूर्नामेंट के जो प्रायोजक हैं किसान सेवा केंद्र बिशनपुर, उनके माध्यम से जहां पे आपको जमीन से संबंधित बहुत सारे काम होते हैं उसका डिटेल्स हम बताएंगे फिलहाल रोहित सूरज को। देखिए व्हाइट का इशारा आता हुआ, एक रन और आता हुआ, पैनापन है इनकी गेंदबाजी में, तेजी भी है इनकी गेंदबाजी में, दुबले पतले हैं और स्ट्राइकर बॉलर हैं कुछ मोहत के। अच्छा खासा, और ये बहुत अच्छी गेंद, नकल बॉल धीमी कर दी थी भैया, कुछ मोहत में भी ऐसे बॉलर हैं जो तेज गेंद फेंक के एक ढीली गेंद कर देते हैं, और इसलिए कि क्रिकेट में जितना जोखिम होता है सब लोग जानता है, सब खिलाड़ी जानते हैं, चाहे वो लोकल क्रिकेटर हो या अंतरराष्ट्रीय। चकमा दिया और इस गेंद को खेला और यहाँ पे बढ़िया फील्डिंग किया, 16 रन हुए 2 ओवर की समाप्ति के बाद। इस बार अच्छी फील्डिंग, सीधी गेंद को पहले प्रयास में पकड़ा, 16 रन 2 ओवर के बाद। अमित कोई ज्यादा मुश्किल दिखाई दे नहीं रहा है, और शायद पहली इनिंग्स में जब हम आप चर्चा कर रहे थे कि टूर्नामेंट का पहला लीग मैच, मेजबान टीम पहला मैच खेल रही है, उसका कहते तो कारण समझ में आ रहा है। फिलहाल तीसरे ओवर लेके आए, बॉलर सामने है सूरज। दर्शक निश्चित रूप से चाह रहे हैं उन्हें ब्रास्ट, नीचे रही गए, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, और खास तौर से बिट्टू से दर्शक चाह रहे होंगे या ना चाह रहे होंगे, हम जरूर चाह रहे हैं कि बिट्टू का यहाँ पे लंबा लंबा छक्का देखने को मिले, क्योंकि जिस तरह से बिट्टू खेलते हैं जाने जाते हैं, अभी तक तो ऐसा देखने को मिला नहीं है 2 ओवर में। अगली गेंद यहाँ पे और सीधी गेंद थी, और अगर ये ड्यूज बॉल का मैच होता सीधी मिडिल स्टंप पे पैरों से टकराई थी। मुझे याद आता है कि जब T20 मुकाबले में संजू सैमसन को LBW आउट करार दिया गया था तो वो सही से कनेक्ट नहीं कर पाए, कोई रन नहीं। तो एक आजकल क्रिकेट में अगर आपको लगता है कि आप नहीं आउट हैं तो आप रिव्यू लेते हैं, तो वहां पे रिव्यू इंडिया ले सकता था और उनके पास ऑप्शन था लेकिन लिया नहीं उन्होंने, पहली गेंद पे छक्का लगाया था और दूसरी गेंद पे आउट हुए थे।
और संजू सैमसन भारत के, और यहां पे गेंद को रोका है जरूर, मतलब लेकिन छिटक के गई है बाउंड्री के पास। दो रन इस बीच पूरा किया है सूरज ने। संजू सैमसन जो कि बहुत ही उद्यमान खिलाड़ी है, सिलेक्टर ने उनको मौका दिया, बहुत ही सही निर्णय भी था, उसको भुना नहीं पाए, लेकिन भारत के उद्यमान विकेट कीपरों में से। और अभी भारतीय पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के बारे में बहुत तरह से चर्चाएं गर्म है कि क्या महेंद्र सिंह धोनी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट फिर खेल पाएंगे या नहीं, क्योंकि जब से भारतीय टीम सेमीफाइनल हारी है, वाइट का इशारा, एक रन और आता हुआ सिसोनी के लिए कुल स्कोर 19। सेमीफाइनल हारने के बाद कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मैच धोनी ने खेला नहीं है, और इसके बाद अब सीधे तौर पर भारतीय टीम के मुख्य कोच रवि शास्त्री का कहना है कि वो वनडे क्रिकेट से भी संन्यास ले सकते हैं, और आईपीएल में वो अगर अच्छा खेलते हैं तो फिर 2020 में जो ऑस्ट्रेलिया में T20 विश्व कप होने वाला है उसमें वो खेल सकते हैं। अब इसकी क्या कहां है वो तो नहीं हम बता सकते हैं, लेकिन जिस तरह से महेंद्र सिंह धोनी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें अमित अभी भी भारतीय टीम में उनकी आपके समझ से जगह बनती है या नहीं बनती है? मेरी समझ से अगर देखा जाए तो महेंद्र सिंह धोनी का जगह तो हर वक्त बनता है, हर मैच में बनता है, क्योंकि अगर वो टीम में रहते हैं तो भारत की विराट कोहली कैप्टनसी करते हैं, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी जिस तरह से उनका साथ देते हैं वैसा देखने का अभी मिलता नहीं। रोहित शर्मा वाइस कैप्टन आपके हिसाब से उनको जो टीम से हटाए हुए है अभी बीसीसीआई सिलेक्टर्स, वो उनके मन से हटाए हुए है या कोई कुछ चल रहा है? नहीं, हमको तो लग रहा है कि धोनी अपने मन से ही हटे हुए हैं, अभी क्रिकेट से दूर है। तो फिर रवि शास्त्री इस तरह का जो बयान देते हैं ये क्या लगता है आपको? ये तो क्रिकेट की अब क्या बीसीसीआई सोचते हैं, क्या कोच सोचते हैं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन मुझे इतना जरूर भरोसा है कि T20 वर्ल्ड कप जो 2020 में ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है उसमें धोनी अनिवार्य रूप से खेलेंगे तो खेलेंगे। क्या बात है, 38 साल के धोनी खेलेंगे तो खेलेंगे। इधर देखिए बिट्टू एक बार फिर से सामने है नीतीश के, और इस गेंद को धीरे से धकेला ऑन साइड में, रन नहीं मिलेगा। तो ये ओवर नंबर 4 है, चौथा ओवर है, नीतीश गेंदबाज है, दुबले पतले, काले रंग का एक गले में माला है, चेन, और इसकी बात करें तो बढ़िया कैच, यही जगह था जहां पे बिट्टू बचे थे, और इसी जगह पे एक अच्छा कैच लेकर के अमित बिट्टू की पारी को समाप्त किया है। और बिट्टू का विकेट, आप कह रहे थे कि बिट्टू का विकेट मिल जाएगा तो फिर सिसोनी के लिए थोड़ा सा सोचने की बात होगी। तो यहाँ पे मैं जब मैच शुरू हो रहा था तो मैं यही कह रहा था कि अब कुछ महोत्सव के लिए जो कुछ बचा है इस मैच में वो ये है कि बढ़िया बॉलिंग करके कुछ विकेट निकाल के दर्शकों को ये बता दे कि भैया कुछ महोत्सव टीम नई जरूर है लेकिन उसके अंदर बॉलिंग फील्डिंग करने की क्षमता है। अच्छा कैच लिया, अच्छा विकेट, जी हाँ, इन्होंने इससे आसान कैच छोड़ा था लेकिन इस बार थोड़ी मुश्किल कैच थी पहले कैच के अनुरूप, और 36 जो कि एक कैच हो चुके थे इस बार कैच वहां पर लग के, और बिट्टू जिस अनुरूप खेलते हैं आज कुछ कर नहीं पाए, और पहला झटका लगा मेजबान सिसोनी को। अब नए बल्लेबाज आए राज बब्बर, कुल योग है 19 रन एक विकेट के नुकसान पे। नीतीश हमसे दूर जाते हुए, पहली बार राज बब्बर के लिए, इस बार अच्छी गेंद वहीं पे दबाया, शॉट पे खड़े खिलाड़ियों के पास गेंद गई बगैर किसी रन के लिए। कुछ लोग टीम अगर यहां से वापसी चाहती है तो एक दो विकेट यहां जल्द से जल्द लेना चाहेगी तभी वापसी कर सकती है, अन्यथा बहुत पीछे चले जाएगी। नीतीश स्वार खड़ा आ गया, मैं सही नसीहत स्क्वायर लेके ऊपर से गेंद को निकाला है,
एक रन ही मिला क्योंकि ऑफ थोड़ी धीमी है, जहां चार रन मिलने चाहिए वहां एक रन से संतुष्ट राज बब्बर। स्कोर जा पहुंचा 20 एक विकेट के नुकसान पर। तो नीतीश जैसा हमारे उम्मीद कर रहे थे कि इनको एक दो विकेट और निकाल के जल्दी से देना चाहिए एक रन लेते हुए। एक रन से स्कोर बढ़ता हुआ 21 99 चाहिए। तो मुझे लगता है कि कोई सिसोनी के अगर खेमे को देखें कोई चिकन नहीं, कोई टेंशन नहीं। दर्शक भी, दर्शकों को भी पता है कि रिजल्ट क्या होगा और यहां पर रिजल्ट आता हुआ 6 रनों का। तो सबको पता है कि इस मैच का परिणाम क्या होने वाला है, मतलब कहीं से क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का ये सारा चीज जो भी कुछ होता है, लेकिन यहाँ पे लग रहा है कि सब कुछ निश्चित है। ये तो निश्चित ही है क्योंकि स्कोर मात्र 99 रनों का टारगेट दिया था और जा पहुंचा है 4 ओवर में 27 रन, मात्र एक विकेट खोई है। और दोनों जो बल्लेबाज है सूरज और राज बब्बर सिसोने के लिए बिग हिटर के रूप में जाने जाते हैं। और कल जो मुकाबला होगा वो होगा तेतरी बनाम बंदवार के बीच। जी देखना भूल लीजिएगा नहीं, कल तेतरी और बंदवार के बीच मैच होगा, इस टूर्नामेंट का दूसरा लीग मैच और बहुत ही अच्छा मैच होने की संभावना है। बंदवार और तेतरी दोनों अच्छी टीम है और जो जो ये टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा उम्मीद अच्छे मुकाबले देखने को मिलेंगे। जी हाँ, पर नए गेंदबाज आए हैं, नाम बता देंगे गेंदबाज। कुलदीप, कुलदीप एक रन आसानी के साथ। हमारे इस टूर्नामेंट के जो आयोजक के प्रायोजक हैं किसान सेवा केंद्र बिष्णुपुर, जहां पे ऑनलाइन सुविधाओं के साथ साथ जमीन संबंधित सारी ऑनलाइन काम किया जाता है। बीट हुए, पैरों से उलझ के गेंद रह गई, अच्छी गेंद थी। खास तौर से दाखुल खारिज का अगर आपके पास केवाला है और जमीन का दाखिल खारिज नहीं करवाए हैं तो आप जाकर के बिष्णुपुर किसान केंद्र में करवा सकते हैं हवा में। और एक रन 29 रन स्कोर पहुंचता हो, 60 रन यहां से चाहिए जीतने के लिए। शायद कोई करिश्मा ही कुछ महत्व को यहां से जिता दे। ओवर है पांचवा और ये नकल बॉल अपने गेंद के गति से चकमा दिया वहां पर बैट्समैन को, ढीली गेंद छोड़ दी। और यहां पर दूसरा, और ये क्या उत्साह है, अच्छा विकेट निकाल के दिया है विकेट नंबर 2। अमित मैच का परिणाम जो भी हो, लेकिन अगर 2-4-5 विकेट उस महत्व की टीम लेती है तो यहां से वो पॉजिटिव चीज लेके जाएगी। जी हाँ, सीखने को इनको मिलेगी कि क्रिकेट कैसे खेला जाता है। बल्लेबाजी में तो वो दमखम दिखाई नहीं दी, अगर गेंदबाजी में ये 5-6 विकेट निकाल देते हैं, हार भी जाते हैं मैच तो ये जरूर करके जाएंगे भैया मैंने मैच में लड़ाई की। और बॉलर की तारीफ इस बात से मैं करना चाहूंगा कि इससे पहले वाली गेंद नकल गेंद और उसके बाद गुड लेंस पे टप्पा खिलाया और भटक के रह गए बैट्समैन, बोल्ड हो गए। जी हाँ, अच्छी गेंदबाजी अभी तक की है, अच्छी रणनीति के साथ की है। जी हाँ कुलदीप, और इधर एक हमारे पास से कुछ अपडेट आया है कि बेस्ट कमेंटेटर और बेस्ट एम्पायरिंग
का अवार्ड दिया जाएगा इस मैच में प्रेम जी की तरफ से। क्या बात है, इस तरह की बात फाइनल में अमित जी सुनते हैं, और इस मैच में अगर इस तरह की बात हो रही है तो ये किसी भी टूर्नामेंट के लिए अच्छी बात है। जी हाँ, ये बड़ी बात है क्योंकि फाइनल में पुरस्कार वितरण किया जाता है, चाहे कितनी भी बड़ी टूर्नामेंट हो, लेकिन ये उत्साह जो भी है प्रेम जी उनको धन्यवाद करना चाहता है। और यहाँ पे एक और विकेट लीजिए, बच गए, बच गए, ऐसा लग रहा था कि कैच हो गया, निकल गए उनके हाथों से बल्लेबाज कौन थे भैया, तो आशीष, आशीष को भी लग रहा था कि हम गए कौन से भैया, बिट्टू का पार्टनर पहले बिट्टू भी वही हुए थे कि चकमा दिए थे फील्डर को, बड़े बाद आउट हुए, उसके बाद आउट हुए थे और आशीष आए और चकमा दे गए फील्डर को, ऐसा लग रहा था कि उनके हाथ में गेंद आ गई, लगे समझते उनको सूर्य भगवान की जो रोशनी है थोड़ी सी तकलीफ दिए थे, जैसे उनका रिएक्शन बता रहा है। जो भी हुआ अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे कुलदीप के द्वारा हुई इस ओवर में खास करके, और देखिए दो विकेट निकालने के बाद कुछ महत्व के जो खिलाड़ी है उनके अंदर एक एनर्जी लग रहा है। जी हाँ बिल्कुल, चहल पहल, वो जो एक सुस्ती था वो दूर हुआ, लेकिन ये कब तक सवाल है, सौ बात की एक बात ये है कि ये कब तक, क्योंकि बड़ा स्कोर उन्होंने खड़ा किया नहीं है। जी हाँ, बड़ा स्कोर तो खड़ा किया नहीं, धोनी ने तो अपना काम लगभग अच्छे ढंग से निभाया, यहाँ पर 7 क्षेत्ररक्षण का नहीं मिला, जिसका खामियाजा यहाँ पूरी टीम को भुगतना पड़ सकता है। ये 6वां ओवर है, 5 ओवर की समाप्ति के बाद कुल योग 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर मेहरबान सुशाली का स्कोर, पावर प्ले का आखिरी ओवर है हमें। जी हाँ, नीतीश अपने कोटे का समर्थन 30वीं ओवर करेंगे और टीम का 6ठी ओवर क्यों ना करें, उनको विकेट मिला है जब से तब से मैच में थोड़ी सी उम्मीद की किरण दिखाई दी है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, और जिस तरह से अमित आप कह रहे थे कि यहां पे एक दो विकेट जल्दी से ले ले, तो इस लो स्कोरिंग मैच में कुछ आशीष ठाकर बल्लेबाज। जी हाँ, लो स्कोरिंग मैच अगर मनोजदा देखी जाए तो अमूमन शुरुआती झटके लग जाते हैं तो मैच में रोमांच निश्चित रूप से पैदा हो जाती है। बिल्कुल, पुनः निर्देश आशीष के लिए, अच्छी गेंद, नीची रही गेंद, आशीष भी थोड़ा संभल कर खेलना चाहेंगे क्योंकि पहले ही गेंद पे एक आसान सा कैच उनका छोटा था, और नीतीश की सबसे खासियत है कि एक रणनीति के साथ और विकेट टू विकेट, जैसा कि आप भी गेंदबाजी करते हैं तो, या अच्छे कोई बॉलर इस परिस्थिति में विकेट टू विकेट, एक अलग ही उत्साह में नजर आ रही है खुशमौत के तमाम खिलाड़ी, 2 विकेट गिरने के बाद यहाँ पे बॉलर को सिर्फ इतना ही करना चाहिए कि रन तो उनके पास है नहीं, विकेट निकाल सकते हैं जितना ज्यादा से ज्यादा तभी मैच में बने रह सकते हैं वो। अच्छी गेंद थी, 1 रन यहाँ पे मिलता गया, फुल टॉस गेंद, और परिस्थिति देखिए आशीष जैसा बल्लेबाज इस गेंद पे धीरे से खेल के 1 रन ले रहा है। मैंने इन्हें जब पहली बार समसा ग्राउंड पे देखा था, ये ऐसे बल्लेबाज थे कि उस टूर्नामेंट में 2 शतक लगा दिए थे। बिल्कुल, कई मैचों में इन्हें बड़ी पारी खेलते हुए मैंने देखा है, और यहाँ पे छक्का, और उधर सिसोदिया के बल्लेबाज राज बब्बर तावर तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अपने ही अंदाज में, काफी अरसे से सिसोनी के लिए सेवा कर रहे हैं क्रिकेट में राज बब्बर, काफी अरसे से खेलते हैं और जबरदस्त खेलते हैं, और इस छक्के की मदद से स्कोर जा पहुंचा 37 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तेतरी के खिलाफ इन्होंने बहुत ही जबरदस्त इनिंग्स खेली थी, बॉलर बैक एंड ड्राइव, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, ओवर की समाप्ति, 6 ओवर का खेल पूरा, 6 ओवर के बाद स्कोर है सिसोनी का 99 रन का पीछा करते हुए 37।
तो 6 ओवर में 37 और लगभग 6 ओवर में 30 के करीब रन था उनका, उनका एक विकेट भी नहीं गवाए थे, एक विकेट भी नहीं था, इनका दो विकेट है। तो यहां तक मुकाबला देखे तो कुशवाहा भारी है सिसौनी पे। अगर यहाँ एक दो विकेट और निकाल जाती है तो मैच में दर्शक को जो रोमांच देखने को मिले वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है। पुनः कुलदीप आए अपने स्पेल की दूसरी ओवर लेकर टीम की सातवें ओवर, पावर प्ले यहाँ पे खत्म हो चुका है। सामने होंगे आशीष। हम लोग जो अंदाजा लगा रहे थे 10 ओवर के अंदर मैच फिनिश, तो उसके लिए थोड़ी सी जिद्दोजहद होगी। जी हाँ, जैसे उम्मीद थी कि बिट्टू सूरज चूके वहां पे आशीष एक लंबा शॉट खेलना चाह रहे थे मिड विकेट के ऊपर से, और देखिए यार बॉलर ने भाप लिया, ऑफ स्टंप के बाहर आके खड़े हुए, तो बॉलर ने भी उस लेंथ पे गेंद दिया जहां से कोई शॉट बनता नहीं था। वाइट का इशारा आता हुआ, एक रन यहां पर मिलता हुआ और 30 रन स्कोर पहुंचता हुआ। कोई रन नहीं, स्लिप क्षेत्र से गेंद जा रही थी। कुलदीप बॉलर है, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, हवा में और ये 6 रन। तो आशीष के बल्ले से ये पहला छक्का 44 पे पहुंचाया स्कोर को, और ऐसी उम्मीद यहां के दर्शक और सोनी टीम के कप्तान एक और बाउंड्री बैक टू बैक मिली या नहीं मिली, एम्पायर का कोई इशारा नहीं आया, स्क्वायर लेग एम्पायर भाग के ऑन स्पॉट देख रहे हैं। बाई का ये रन चौका आता हुआ, 48 स्कोर पहुंचता हुआ, सातवां ओवर खेल चल रहा है और क्रिकेट धमाल पे इस मैच को आप देख सकते हैं। कोई रन नहीं, बहुत खराब गेम थी, उतना ही खराब स्ट्रोक था और उतना ही खराब थ्रो था, क्या कहेंगे हमें। इसी बीच ओवर की समाप्ति हो गई मनोज दा, तो 7 ओवर के बाद कुल योग 49 रन 2 विकेट के नुकसान पे। अब नए गेंदबाज आए हैं, गेंदबाज नाम बता देंगे अपना, चंदन चंदन आए। सामने होंगे आशीष, बिल्कुल यहां तो आवाज तो यहां तक आई है, लेकिन वो कैसी आवाज थी ये मुझे नहीं जानता, लेकिन आवाज तो अमित आपके कानों तक आई थी, कुछ ना कुछ तो आवाज आई, अब क्या बल्ले से लगी थी या पैडों पे बल्ला लगा था, बिल्कुल बल्ला चलाया था और आवाज एक आई थी जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस नजर आ रहे थे, लेकिन दोनों एम्पायर अपने जगह पे और मुझे तो ऐसा लगा कि बैट्समैन चल देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। कुशवाहा टीम के तमाम खिलाड़ियों से चाहूंगा कि कमेंट्री भी नहीं हो रही थी कि एम्पायर या कोई कह सकते हैं कि कोई डिस्टर्ब हुआ हो। जी हाँ,
मैं चाहूंगा कि एम्पायर से बात ना करें, खेल दोबारा शुरू हो जाए, प्रारंभ रखे। और बड़े बैट्समैन है, हालांकि राजा हरिश्चंद्र यहां कोई है नहीं, दानी और चौका आता हुआ। अगर इस तरह से 50 पूरा हुआ सिसोने का, 53 रन 2 विकेट के नुकसान पे। उस मौत के तमाम खिलाड़ी थोड़े नाखुश, बिल्कुल कॉन्फिडेंस नजर आ रहे थे। आशीष थे बैट्समैन, ऑफ स्टंप से थोड़ी सी गेंद बाहर थी, बल्ला मूव किया था और एक आवाज भी आई थी। हमने मौका दिया है कि भैया आउट करना है तो आप कर ले, किया कैच लिया, अच्छा कैच लिया। जी हाँ, काफी ऊंचा गई थी गेंद और वहां पे शानदार कैच लगता है। एक खिलाड़ी जस्ट पॉइंट से निकलकर मिड विकेट के क्षेत्र में पिछली गेंद पे गए हैं, गया था कैच लेने के लिए गया था, कि वहां पे आशीष कैच लेंगे और हम कैच लेंगे। जी हाँ, क्योंकि आशीष बार बार बल्ला जो है ऑन साइड के और घुमा रहे थे, सही निर्णय लिया और तीसरा झटका लगा यहाँ पर मेजबान सिसोनी को। एक चीज तो है कि कुशवाहा की जो ये टीम है उसके पास आइडिया है, आइडिया है कि तो क्या करना है। जी हाँ, कि बल्लेबाज कैसे खेल रहे हैं और किस ढांचे में क्षेत्र अच्छा सजाऊं, कैसे गेंदबाजी करो। बिल्कुल, अब आए आशीष का स्थान लेने के लिए ललित, ललित ललित और राज बब्बर, क्या ये जोड़ी सिसोनी को जीत दिला के घर आएगी वापिस मैदान पेवेलियन में। अमित चंगर, ये तो कट प्रैक्टिस, कैच प्रैक्टिस जैसे होती है, प्रैक्टिस कराने वक्त नेट प्रैक्टिस जब चलती है तो हाथों में गेंद को टच किया जाता है और चौथा विकेट यहाँ पे मिला है कुछ बात कर, यही बात तो हम कर ही रहे थे कि कुछ बहुत यहाँ पे कुछ लेके जाए, तो 4 विकेट लेके जा रही है और आने वाले समय में कुछ और विकेट मिल सकता है। अरे पनी स्कोर है अभी मात्र स्कोर 53, ये आखिरी जोड़ी मेरी उम्मीद से है ललित और धर्मेंद्र की जोड़ी। अगर इस दोनों बल्लेबाज को आउट कर लेती है कुशमोत की टीम तो फिर फंस सकती है सिसोनी की टीम। हमें जिस तरह से आउट हुए, कैच प्रैक्टिस करा के गए हैं, बिल्कुल कैच प्रैक्टिस जैसे प्रैक्टिस में करवाया जाता है उसी तरह से, क्या कहेंगे इस तरह से आउट हुए, क्या कहे उन्हें। राज ओवर जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे, अपना विकेट फेंक के गए हुए, क्योंकि पिछली गेंद पे आशीष आउट हुए थे, थोड़ा सा रुक सकते थे वो, तो ये भी एक आइडिया ही था। आइडियल जिस तरह से आइडिया के साथ बॉलिंग कर रहे हैं, फील्डिंग और कैचिंग कर रहे हैं, जबरदस्त वापसी तो कर चुकी है कुशवाहा की टीम। यहां से बस एक विकेट और, एक विकेट और, ये जोड़ी तोड़ दी तो फिर फंस सकती है सिसोनी की टीम। धर्मेंद्र आए हैं राज बब्बर के स्थान पे, ये दोनों जोड़ी सिसोनी के सबसे भरोसेमंद जोड़ी में जाने जाती है। चंदन हैट्रिक पे है और वाइट का इशारा, स्कोर जा पहुंचा 54, 4 विकेट के नुकसान पे। बाएं हाथ के बैट्समैन आए, अपना एंड बरकरार रखा बॉलर ने और लेग स्टंप से बाहर गेंद वाइट, अभी भी हैट्रिक पे, क्या पहला हैट्रिक इस लीग मुकाबले में टूर्नामेंट की शुरुआत भी मिल सकता है। अच्छी गेंद, ढीले हाथों से गेंद को खेला, एक रन के लिए स्कोर में इजाफा, स्कोर जा पहुंचा 55, 4 विकेट के नुकसान पे। और धर्मेंद्र ने खाता खोला, पहली बार सामना करेंगे ललित, इसी बीच ओवर की समाप्ति हो गई है। और अमित, ये जो खिलाड़ी खेल रहे हैं, इन खिलाड़ियों को मैं दशकों से
दशकों से सिसोनी के लिए खेलते हुए देखा है, तो इन लोगों का जगह जो है सो वो अपनी काबिलियत पे और इनके अंदर जो क्रिकेट है बचा हुआ उस पे आज तक ये सिसोनी के लिए खेल रहे हैं। ललित हुए, राजबब्बर हुए, अभी आए हैं धर्मेंद्र हैं। 8 ओवर के समाप्ति के बाद कुल योग 55, 4 विकेट के नुकसान पर धर्मेंद्र कुलदीप चले। खराब गेंद, अच्छा प्रयास वहां पे क्षेत्ररक्षक के द्वारा। तो वापसी कुसुमाओं की टीम कर चुकी है फील्डिंग में भी, बिल्कुल बढ़िया फील्डिंग किया, कोशिश जारी रखा, पहले गेंद को हाथ से लगाया, इसके बाद उठा के थ्रो किया, एक रन से संतुष्ट होना पड़ा। यहां से ही धर्मेंद्र और ललित को चाहिए कि सिंगल डबल से खेलते रहे और खराब गेंद आए तो बाउंड्री ले। ये दोनों बल्लेबाज को कम से कम 5-6 ओवर गेम को चलाना चाहिए, अभी कुछ पार्टनरशिप हो जाएगी तो आसानी से मैच तक पहुंच जाएगी सिसोनी। यहां पे से वहीं पे दबाया ललित ने बगैर किसी रन के लिए, स्कोर 56। कुछ मैच में मजा थोड़ा सा दर्शकों को और सिसोनी के खेमे में थोड़ी सी निराशा, 4 विकेट गिर चुकी है 56 के योग पे। और ये तोहफे में रन गई है, लाइट प्लस में 4 रन, कुल 5 एक्स्ट्रा मिले हैं। ज्यादा तेज करने की कोशिश बॉलर ने की, लेग स्टंप के बाहर भटके पंजा मिला और स्कोर जा पहुंचा 61। एक तो आपने 98 रन बनाए और उसके बाद इस तरह से आप रन्स दोगे तो फिर तो इस बार अच्छी शॉट कवर के क्षेत्र में निकाला, उसके नीचे खिलाड़ी, मौका था एक रन चुराने का, क्या दूसरा मौका मिल सकता है। ये ओवर कॉन्फिडेंस, ललित को 2 रन मिला और 2 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 63 रन। और क्रिकेट में आपने अगर पकड़ बनाया और फिर थोड़ा ढीला किया तो फिर गई भैंस पानी में। जी हाँ, खास करके लो स्कोरिंग मैच में। हालांकि शुरू से ही इस मैच में कहीं दिखाई देने रही थी कुछ बहुत, लेकिन जिस तरह से उन्होंने देखिए फिर से तेज गेंद करने की कोशिश कर रहे हैं बॉलर। 2 ओवर तो कुलदीप ने अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन तीसरे अपने स्पेल के तीसरी ओवर में इस ओवर में भटके हैं। जी हां, स्कोर जा पहुंचा 64। फिर से वही लाइन, नसीहत अच्छा, चौका, लेग स्टंप पे गेंद करोगे भैया तो कमर पे हाथ देके चौके जाते हुए ही देखोगे। स्कोर जा पहुंचा 68 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। इस बार एक चीज हमें कमी दिखाई दिया कि शुरू से ही गति से गेंदबाजी करने की कुलदीप ने कोशिश की, लेग स्टंप पे भटके रन्स खाए। ओवर थ्रो का मौका यहां पर, जहां 1 रन नहीं होना चाहिए वहां पे 2 रन, बिल्कुल। और स्कोर जा पहुंचा 70। आसान बना दिया है इस ओवर ने उनको, बार ओवर से पहले तक कुछ संभावनाएं थी लेकिन इस ओवर में बहुत ही बैट्समैन की तरफ से कुछ खास नहीं हुआ लेकिन बॉलर के तरफ से हुआ है कि आप आइए और शॉट्स खेलिए, चौका लगाइए। स्कोर जा पहुंचा 74 रन, कितने रन बनाए इस ओवर में,
यहां से जीतने के लिए मात्र सिसोने को 25 रन चाहिए, 17 रन का ये ओवर। पलीता निकाल दिया, मात्र 25 रन चाहिए यहां से जीतने के लिए। यहां से चाहेगी कि मेजबान सिसोने की विकेट ना गमाए और ललित धर्मेंद्र फिनिश करके जाए मैच को। अरे जो थोड़ा सा दबाव बना था सिसोनी टीम के ऊपर, इस ओवर ने पूरी तरह से उसको समाप्त कर दिया। जी हाँ, अब एक औपचारिकता बाकी, मात्र अब भैया फील्डिंग पे कहीं से कहीं लगा लो, ऐसे कोशिश की जानी चाहिए। थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन किया है, चंदन आए गेंदबाजी करने के लिए, एक रन मिलेगा। चंदन ने पिछला ओवर अच्छा किया था जब आशीष का विकेट लिया था, एक बहुत ही कंफ्यूजन जैसा माहौल था जब आशीष को कोर्ट बिहाइंड की जबरदस्त अपील हुई थी, उसके ठीक एक गेंद बाद आशीष आउट हुए थे इन्हीं के ओवर में। एक रन और, 23 रन यहां से चाहिए जीतने के, मात्र 23 रन बचे हैं मेजबान सिसोनी को इस मैच में जीतने के लिए। ओवर ये चल रहा है दसवां। और ये देखिए, इस तरह की गेंदबाजी अगर हो तो कोई भी बैट्समैन चौका लगा सकता है। हमारे दर्शक भी बहुत सारे होंगे, वो सोच रहे होंगे इस गेंद पे हम बैटिंग कर रहे होते हैं तो चौका मारते क्या मिस। जी हाँ, खराब गेंद पटकी हुई लेगे स्टंप से बाहर और सही नसीहत धर्मेंद्र के द्वारा स्कोर जा पहुंचा 80, जीत के लिए मात्र 19 रन की और जरूरत। हमारे बहुत सारे दर्शक हैं, वो भी क्रिकेट खेलते होंगे, खेलते हैं, लेकिन बात यह भी है कि हम कमेंट्री से बहुत कुछ कमेंट कर देते हैं, लेकिन जब बैट हाथ में होता है, बीच मैदान में आप होते हैं तो कुछ बात अलग होती है। जी हाँ, और ये सीधा स्वीकार किया, पांचवा झटका यहां पे लगा है। आप समझिए कि पिछली ओवर में 17 रन नहीं बने होते, अगर यहां से 40-50 रन और होते और आप विजय मार्शल 40-50 तो नहीं, पिछले ओवर में अगर 5-6 रन खर्च करते हैं तो अभी भी यहां पे 30-35 रन बनाने बचते, और 30-35 रन बनाने बचते तो सिसोनी के अब यहां से कुछल ले कैलेंडर बैटिंग शुरू है। जी हाँ, कप्तान विजय मार्शल गए हैं और कल का मुकाबला जो होगा तित्री वर्सेस बंदवार, दोनों सशक्त टीम है, देखना ना भूलेंगे तमाम दर्शक ठीक 11 बजे से। काफी अरसे से विजय मार्शल क्रिकेट खेल रहे हैं सिसोनी के लिए, और जब इनकी उम्र महज 14-15 साल रही होगी तब से क्रिकेट खेलते हुए देखा हूं इन्हें, अच्छा लगता है। एक रन यहां पे लेते हुए 81 के पांच, चंदन 3 सफलता हासिल कर चुके हैं, दूसरी ओवर है मात्र इनकी, अच्छी गेंदबाजी किया है। विजय मार्शल अब स्ट्राइक पे होंगे, कई पारियां विजय मार्शल के करियर में यादगार है, तेतरी में इन्होंने बहुत ही जबरदस्त इनिंग्स खेली थी, जब ऐसा लग रहा था कि सिसोनी हार जाएगी इन्होंने जिताया था सिसोनी को, तेतरी के खिलाफ जबरदस्त फाइट किया था, लगभग 14-15 रन प्रति ओवर के हिसाब से वहां पे बनाने थे रन, और विजय मार्शल ने जबरदस्त इनिंग्स खेली थी। 10 ओवर के बाद स्कोर है 81, 5 विकेट खोने के बाद, तो
अब जो संतोष की बात है उस मोहब्बत के लिए कि 5 विकेट को लेके जा रहे हैं, और भी संभावनाएं हैं कि 99 तक कुछ और विकेट मिल जाए उनको, और बहुत कुछ सबक लेके जाएंगे यहां से। अमित, जब जीत या हार जो भी हो, टीम उसमें से नेगेटिव पॉजिटिव निकालेगी तो कुछ अच्छी चीज भी यहां से लेके जाएगी और कुछ सीख भी लेके जाएगी कि कहां कहां मैंने गलती किया। जी हाँ, जो कि इनको आगे किसी भी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगे तो वहां इनको फायदा मिलेगा। पहली गलती तो मुझे नजर आई कि 20 ओवर खेल नहीं पाई है। सबसे पहले तो इन्हें 20 ओवर खेलना होगा, लंबा गेम होता है 20 ओवर, जबकि अपनी अच्छी रही। अच्छी गेंद, रोहित आए गेंदबाजी करने के लिए अपने स्पेल की तीसरी ओवर लेकर, और टीम की 11वीं ओवर। सामने होंगे ललित, यहां सिसोने के तमाम बल्लेबाज को भी देखा गया कि खेले, टारगेट कम था और थोड़ा सहयोग मिला क्षेत्ररक्षक का भी। प्रैक्टिस में तमाम सिसोनी के बल्लेबाज भी नजर आ रहा, और सिसोनी के लिए भी इस मैच में कई सीखे हैं कि वो भी इस मैच को जीतने के बाद भी अपनी कमियों को ढूंढेगी अगले मैच में। जी हाँ जरूर, क्योंकि आगे जो जो टीम पहुंचेगी क्वार्टर फाइनल में, जो मुकाबला होगा इनका, उसमें अच्छी टीम मिलेगी। गेंद को दिशा दिया है, बढ़िया फील्डिंग और दो रन हासिल करते हुए विजय मार्शल 84 पहुंचा स्कोर। मात्र 15 रन की और जरूरत थी यहां से मैच जीतने के लिए। और आज हम विजय मार्शल से जब बात करेंगे तो अमित, हमारा एक सवाल जरूर रहेगा जो कि हमने बहुत बार कमेंट्री करते हुए सोचा है कि विजय मार्शल से करें, लेकिन कर नहीं पाए। लेकिन आज हमको याद दिला दीजिएगा इंटरव्यू सेक्शन में कि विजय मार्शल को मार्शल किसने कहा, और विजय का नाम मार्शल कब से पड़ा। बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। आज आपको हम विजय मार्शल की जुबानी सुनाएंगे कि विजय मार्शल का नाम विजय मार्शल क्यों पड़ा। फिलहाल अगली गेंद, और यहां पर बैक फुट पर जाके पंच किया है, मिस फील्डिंग हुई। और देखिए खतरे वाले छोर पे बुलाया, और ये कौन सा थ्रो, छियासी 86। क्योंकि जिस दौर में विजय ने क्रिकेट खेलना शुरू किया था, क्या उस समय के मार्शल क्रिकेट में बहुत बड़ा नाम, दुनिया के तेज गेंदबाजों में मार्शल का आता था, क्या उस वजह से था या कोई और वजह, आज विजय की जुबानी हम आपको सुनाएंगे। 1 रन, जी हाँ, 60 रन लगभग वहां पे हो गया था, जिसके कारण 1 रन एम्पायर ने घोषणा की फिर से, तो स्कोर 85 रन। बॉलिंग में रोहित, क्या गुस्माहब के लिए कुछ और विकेट आता है, ये तो कुछ ही पलों में सामने आ जाएगा। व्हाइट 1 रन यहां पे, और गेंद को कारपेट के सहारे खेला है 1 रन के लिए, थोड़ी सी मिसफील्डिंग हुई, लेकिन मैच की परिस्थिति कुछ ऐसी है कि बिल्कुल अब नो टेंशन, कोई टेंशन नहीं है, मात्र 12 रन चाहिए, खड़े भी रहते हैं सो भी जाएंगे तो मैच जीत जाएगा आराम से भैया।
यहाँ पे फ्रंट फुट पे जाके लंबी विकेट लगाना चाहते थे, स्टंप के ऊपर से गेंद निकल गई, खुशकिस्मत रहे विजय मार्शल। इसी बीच ओवर की सार्थी हुई, ग्यारह ओवर की सार्थी हुई, स्कोर है 87। अपने कोटे का आखिरी ओवर लेके आए हैं, क्या अपने आखिरी ओवर में कुछ रंग दिखाते हैं? अपने स्पेल की तीसरी ओवर में, तीसरे ओवर लेके आए हैं चंदन, तीन सफलता अभी तक मिल चुकी है चंदन को, और एक अतिरिक्त, स्कोर 88, मात्र 11 रन। तो दो ओवर में तीन विकेट लेके सिसौनी को चकित कर दिया था चंदन ने। चौका, 4 रन आता हुआ कुल स्कोर, इस चौके से 92 पहुंचता हुआ 7 रन यहां से चाहिए जीतने के लिए, एक छक्का चाहिए बराबरी के लिए। एक चीज तो हमें देखने को मिला कि जिस स्वतंत्रता के साथ, जिस आजादी के साथ सिसौनी, तो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल एक तरफा हो जाएगा, छक्के चौके की बरसात देखने को मिलेगी, वो नहीं दिखाई दिया। और देखिए ये क्या छूट गया, ये प्रैक्टिस वाला ही कहता डायरेक्ट हाथ में, जो भी 36 के पास गेंद गई अभी तक में 4 कैच और सीधे हाथों में ही गई है, अभी तक बिल्कुल हाथों में जाती है। दो पकड़े दो छोड़े 50% रिजल्ट दिया है उन्होंने, 50% स्ट्राइक रेट उनका है कैच में। लीजिए एक और वाइट, अब एक छक्का चाहिए, क्या छक्के के साथ जीत दर्ज करेगी सिसौनी? चौका, डुक्की चाहिए अब, जीत तो शुरू से ही दिखाई दे रही थी हमें, और अब दो रन चाहिए। दर्शक अपने जगह से हिल गए हैं, लेकिन बाउंड्री के अंदर रह गए, और बहुत ही जबरदस्त मैच में कोई खास उस तरह की परिस्थिति आई नहीं सिसौनी के लिए कि कोई संकट। दर्शकों से आग्रह है, बच्चों से आग्रह है कि आप बैक हो जाइए भैया, अभी मैच खत्म नहीं हुआ। युवा शक्ति के जितने भी कार्यकर्ता हैं इस टूर्नामेंट में, हमारे कमेंट्री बॉक्स के आसपास दर्शक बहुत, उनसे अनुरोध है कि ऐसी में तमाम दर्शकों ग्राउंड से बाहर करें, क्योंकि खेल जब तक खत्म नहीं होते है आखिरी रन बना लिया जाए तो छोटा जी या छोटे बच्चे ग्राउंड में प्रवेश ना करें। भैया रिलैक्स करें, छक्का लगेगा उसके बाद दौड़ जाना। जी हाँ, ललित है स्ट्राइक पे, मात्र 2 रन चाहिए। क्या मार्शल के बल्ले से आता है या ललित के बल्ले से? जी हाँ, विजय स्ट्रोक कहां से निकलता है, मौका है अभी ललित के पास, ललित के पास, ये भी छक्के लगाते हैं। जी हाँ, लीजिए भैया, क्या दोनों को मौका नहीं मिलने वाला है क्या मनोज? हाँ, ऐसा भी होता है क्रिकेट में कि वाइड से नो बॉल से रन बन जाते हैं और बैट से रन नहीं बनते हैं, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे भी ऐसा होता है। ओवर हो गया, मात्र 1 रन चाहिए, 1 रन चाहिए, भयावह स्कोर है। अब विजय मार्शल कप्तान खुद स्ट्राइक पे, क्या छक्के के साथ क्रीज करते हैं या सिंगल लेके? लोकल क्रिकेट में ये एक धारणा रही है, अब भी बहुत सारे लोकल मैच खेले हैं, जब इस तरह की परिस्थिति अमित बनती है तो क्या चलता है आपके मन में? क्या क्या चलता है भैया? बैठो ना स्ट्राइक वाले,
ओवर बहुत सारे ट्राई करूंगा छक्के से मैं जीतूंगा तो छक्के से मात्र 5 विकेट गिरी है भैया, एक ओवर से भी मैं जीत लूंगा, कोशिश करता हूँ कि एक लंबे हिट खेलने का। जी पिछले T20 मुकाबला में भारत ने छक्के लगा के जीता था जी, और महेंद्र सिंह धोनी तो कई मैचों को छक्के लगा के जितवाया था। ले लिए सिंगल ले, हाँ ना करते कैसे मुझे वास्तव में सिंगल ले लिया, और 5 विकेट से इस मैच को सिसोने ने विजय प्राप्त करके सीधे क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करें। इस मैच के कप्तान हमारे कमेंट्री बॉक्स में आ जाएंगे और विजय मार्शल और कुछ ही देर में यहाँ पे मैन ऑफ द मैच का अवार्ड क्रिएट करेगा। फिलहाल हम सिसोने के कप्तान से कहेंगे कि कमेंट्री बॉक्स में आ जाए जी, और कई कैसे मुकाबले होगा कार्यक्रम होगा, हमारे वरिष्ठ कमेंटेटर मनोज दास मान लेंगे जी हाँ। कुशवाहा के कप्तान यहाँ पे आ जाए कमेंट्री बॉक्स पे, उस मौत के कप्तान आ रहे हैं, उनको बुला लीजिए जाके, क्यों ले बोलिए कि नौता विजय साथी है। जी हाँ, हमारे कैमरा मैन जो कि धमाल क्रिकेट पे इस मैच का प्रसारण कर रहे हैं, इसको आप सब्सक्राइब करके ये आज का मैच को देख सकते हैं आप। बहुत ही मेहनत किया है इन्होंने, और हमारे साथ अमित है, अमित आज एक खास अमित आप बोल रहे थे कि दो इनाम है आज, तो बेस्ट एम्पायर और बेस्ट कमेंटेटर, तो बेस्ट एम्पायर के लिए हमारे प्रेम भैया के तरफ से, प्रेम जी के तरफ से आज यहाँ पे अवार्ड देने की बात है। तो सबसे पहले बेस्ट एम्पायर के लिए हम सुधाकर मिश्रा जी को बुलाते हैं, जिन्हें की प्रेम जी के तरफ से खास गिफ्ट नए साल के अवसर पर प्रेम जी के तरफ से दिया जा रहा है। जोरदार तालियां हम जाएंगे यहाँ पे उपस्थित तमाम लोगों की तरफ से। अब मैं एक घोषणा करना चाहूंगा, ये भी अवार्ड होगा प्रेम जी की तरफ से बेस्ट कमेंटेटर, हमारे वरिष्ठ कमेंटेटर मनोज दा के लिए एक जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। धन्यवाद प्रेम जी, इसी तरह से उत्साह बढ़ाते रहे हमारे 70 टीम और एम्पायरिंग टीम को, और अब चाहूंगा कि कुशमाऊ टीम के कप्तान अतिशीघ्र कमेंट्री बॉक्स में आए, थोड़ी सी बातचीत होगी आपसे, हार जीत का भैया खेल होता है। आगे एक तालियों के साथ स्वागत किया जाए हमारे कुशमाऊ टीम के कप्तान के लिए। कुशमाऊ के कप्तान आए हैं मिस्टर सेवन जी, सुमन जी आप यहाँ पे खेलने के लिए आए, और कैसा रहा आपके हिसाब से आपका मुकाबला? सर पहले मैं यहाँ के सिसौनी के दशागंज को नायक बनाया देना चाहता हूँ, जो सम्मानित पूर्वक मुझे स्वागत किए हैं। तो आज का जो मैच था शायद बैटर का सही दिन नहीं था, जो सही रूप से नहीं चल पाया, तो मैं कहना चाहता हूँ कि आज अगर बैटर मेरे अच्छा स्कोर खड़ा करते तो मैं मैच जीत सकता था। और मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे फील्डर, हमारे टीम के फील्डर भी बहुत उत्साह के साथ लास्ट तक अपना जो होता है जरिया वो निभाया, तो अनुभव में रन बने थे, शुरुआत अच्छी रही। आपने कहा बैट्समैन ने के लिए कितना रन और बन जाता कि आप कितनी करे थे, कम से कम तो 200 रन बनना ही चाहिए था, नहीं बन पाया। आपके बैट्समैन फेल हो गए, शुरू के ओपनर बैट्समैन ने अच्छा किया, लेकिन शुरू का तो राजकिशोर और विजय सागर दोनों बहुत अच्छे अपना साझेदारी निभाए, इसके बाद जो आए सब आए गए। साल में आपकी टीम कितने टूर्नामेंट खेल लेती है? साल में तो लगभग देखिए कह नहीं सकता, बहुत टूर्नामेंट खेल चुके हैं, खेलते हैं, लेकिन जैसा कि यह है कि इस समय बहुत दिनों के बाद इस साल के पहला मैच में यहाँ पर खेला। यहाँ पहले, इससे पहले आपने कभी सीजन में खेला? हाँ खेला था, खेला था। और इसके बाद आप कहाँ कहाँ जाते हैं खेलने के लिए? आप अपने इलाके में बेगूसराय वगैरह इस सब जो है इलाका में तो मैं सभी जगह खेल चुका हूँ। कितने दिनों से आपकी टीम खेल रही है? आपके यहाँ कितने दिनों से टीम बनी हुई है? मेरा टीम तो लगभग 2005 से अम्बेडकर क्रिकेट क्लब NACC नाम से जाना जाता है। आप टूर्नामेंट कराते हैं? कराते हैं गर्मियों में,
गर्मी में कराते हैं। और दरअसल और मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे उस माहौल में डेवलप यानी जो कहता है कि क्रिकेट का मैदान और मैं छोटा सा स्कूल में प्रैक्टिस करता हूँ, छोटा सा स्कूल, क्या बात है। और जैसा अगर कभी आगे सिसोनी में फिर खेलने का अगले साल मौका मिलेगा तो आपकी टीम कोशिश रहेगा कि मैं अपना मंजिल हासिल कर लूं। जी हां, फाइनल जीत के आते हैं और क्या बात है। और हम भी आपको आमंत्रण देते हैं कि तेतरी में क्रिकेट टूर्नामेंट होने वाला है, वहां भी आप अगर एंट्री लीजिएगा तो आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू। ये थे हमारे कुशमाहौल के कप्तान जो कि अपनी बात को रख रहे थे और इनसे मैंने सारी बातें शायद उस तरह की कह रही जो कि आप सुनना चाहते थे। हम चाहेंगे कि सिसोनी के कप्तान विजय मार्शल आए। विजय मार्शल के लिए जोरदार ताली है। कैसा रहा? बहुत सुंदर, और बहुत सुंदर रहा। लेकिन उस सुंदरता में 98 रन बने थे और उस बनाने में आपके 5 विकेट निकल गए, क्या कहेंगे? देखिए, पहले मैं युवा खिलाड़ी को मौका दिया हूँ खेलने के लिए। फर्स्ट मैच में युवा को, 5 युवा को लेकर मैं खेल रहा हूँ। मैं जानता था कि युवा थोड़ा पहला मैच है, थोड़ा क्या बोलता है उसको, धकधकी करियर से निकलेगा उसको, इसलिए 2-5 कैच छोड़ दिया। आज नहीं तो आज विजय मार्शल को कभी लगा इस मैच में कि हम हार सकते हैं? नहीं, ये तो कभी नहीं लगा। वो अगर 150 रन मारता, 160 रन मारता तो फिर मैं तो हम आप सीधे चले आते हैं कि विजय मार्शल आपको कब से कहा जाता है? देखिए, मैं पांचरा खेलने के लिए टूर्नामेंट गया था हाई स्कूल, वहाँ पर मेरा विनोद सलीपुर कप्तान था, वही मेरा नाम विजय मार्शल रखा। वहाँ पर मैं 22 गेंद में 81 रन मारा था। फर्स्ट मैच मेरा वहीं पर विनोद सनी। ये कब की बात रही होगी, लगभग कितने साल पहले? उतना तो याद नहीं है, उतना तो याद नहीं। उसी समय आपका नाम विजय मार्शल रखा था। या, या। तो भैया विजय मार्शल का नाम पालसारा में 5 गेंद से 81 रन बनाने के लिए, अब उस पर छक्के चौके कितने होंगे ये मत पूछिएगा। और उस समय से विजय मार्शल रखा था। तो विजय, अगला मैच अगले दौर में आप पहुंच गए हैं टूर्नामेंट से। कल मुकाबला तेतरी और कंदुआर का है, तो अगले मुकाबला में सिसोनी की क्या रणनीति रहेगी? सिसोनी अगर पहले बैटिंग करता है तो कम से कम 160-170 लग जरूर लगता है। विकेट जो आपने बनाया, पिछले विकेट को आपने रिफ्यूज कर दिया है या नया विकेट बनाया है? नया विकेट बना हुआ। अच्छा विकेट है, उनसे भरा हुआ है। ओके, तो आगे कल के मुकाबला में क्या लगता है विजय को कि कैसा संभावना मैच है? जैसे तेतरी अगर पहले पहले बैटिंग करेंगे तो 130-140 रन जरूर बनाएंगे, जरूर बनाएगी। थैंक यू वेरी मच विजय, कि आपकी टीम अगले मैच में बहुत अच्छा प्रदर्शन करे। और अब मैन ऑफ द मैच का हम ऐलान कर देते हैं कि आज के मैन ऑफ द मैच है जिन्होंने कि 2 ओवर में 2 विकेट लिए हैं, 11 रन खर्च करके और 15 ओवर में 29 रन बनाए हैं, सिसोनी के ललित को मैन ऑफ द मैच मिला। जोरदार तालियां ललित के लिए। कहां है भैया ललित?